ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको थेल्स थ्योरम के बारे में बताया, उसका डेरिवेशन बताया, सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के बारे में बताया। आज मैं आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन करा रहा हूँ और फिर मैं इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो टुडे वी डिस्कस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नाउ स्टेटमेंट ऑफ द थेल्स, देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब जो इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इस थ्योरम का, वो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है स्टूडेंट, यहां पर इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। यह है स्टूडेंट यहां पर इसका जो स्टेटमेंट है, अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वी ड्रॉ ए ट्रायंगल, suppose that ABC, consider a triangle ABC in which triangle if a line divides any two sides of a triangle, line कोई भी line है, suppose कर लिया मैंने यहां पर एक line ले लिया, ये this line भी L, ये जो line है L है, its intersect AB at D and AC at E, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ये कह रहा है कि ये जो लाइन L है ना, इस BC के पैरेलल है, ये हमें देखना है यहाँ पर, लाइन L पैरेलल टू BC है, तो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन में यहाँ पर स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC, a line L divides, या पहले मैं इसको लिखूं, a line L intersect, a line L intersect AB at D and AC at E in the same ratio, such that AD upon DB equals to AE upon EC, it is given, ये हमें given है, same ratio divide कर रहा है, ये हमें given है already यहाँ पर। अब आता है to prove में क्या है students, to prove में है L parallel to BC, या इसको DE parallel to BC भी कह सकते हैं इसको, ठीक है,
चलिए एल पैरेलल टू बी सी हमें करना है। अब आता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, ये हम यहां पर ऐसा लेट कर लें कि जो लाइन एल है ना, लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, लाइन एल बी सी के पैरेलल नहीं है। तब यहां पे क्या होगा, जब बी सी के पैरेलल नहीं है तो एक कोई लाइन ऐसी होगी, एनदर लाइन होगी जो बी सी के पैरेलल होगी, तो उससे कोई जब रिजल्ट आएगा ना, तो कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो इम्पॉसिबल रिजल्ट आ जाए। जब लाइन एल पैरेलल नहीं है बी सी के और कोई एनी अदर लाइन होगी, तो उससे कोई ऐसा इम्पॉसिबल रिजल्ट आ जाए कि जो लाइन जो पॉसिबल ही ना हो, तब फिर हम कह पाएंगे वो कंट्रडिक्शन हो जाएगा, और तब हम कह पाएंगे जो लाइन एल है ना वो बी सी के पैरेलल है। तो मैं यहां पर सपोज कर लेता हूं कि लाइन, व्हेन लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, देन एनी लाइन एम, सपोज दैट लाइन एम विच इज पैरेलल टू बी सी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट डी, पासिंग थ्रू द पॉइंट डी एंड इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ए सी एट द एफ, सपोज दैट, मैंने कोई यहां पर ऐसा सपोज कर लिया कि व्हेन लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू, तब यहां पर एक लाइन ऐसी होगी जो बी सी के पैरेलल होगी, और वो लाइन मैंने एम मान लिया, लाइन एम है ये, और विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट डी एंड दिस इज इंटरसेक्ट ए सी एट द पॉइंट एफ, एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, यहां पर देखिए लेट लेट ए लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, देन देन एनी लाइन एम, देन एनी लाइन एम विच इज पैरेलल टू एनी लाइन एम विच इज पैरेलल टू बी सी, विच इज पैरेलल टू बी सी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट डी इंटरसेक्ट, पासिंग पॉइंट डी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ए सी एट एफ। ये यहां पर इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबको। तो अब मैं यहां पर प्रूफ बताऊंगा, इसका प्रूफ में देखेंगे आप, यहां पर देखिए प्रूफ में क्या है। प्रूफ में स्टूडेंट देखिए, एम पैरेलल टू बी सी है, इन ट्रायंगल एबीसी एम पैरेलल टू बी सी, देन जब एम पैरेलल टू बी सी है तो यहां पे क्या होगा, ये डीएफ तो इसी लाइन पर आ रहा है ना, देन डीएफ पैरेलल टू बी सी बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी वी हैव, बाय यूजिंग बीपीटी वी हैव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये मैंने यहां पर इस तरह से कर लिया, ये रिजल्ट आ गए। ओके, तो ये AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन बाई कन्वर्ट बाई BPT से, तो क्या जब इसके पैरेलल तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इज द गिवन। ओके, इसे मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं और यहां लिखेंगे बट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये सेकंड डाल दें, इज गिवन, इज गिवन, ये हमें गिवन है। अब मैं देखिए यहां से रफ करता हूं ऊपर से, ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो हमें गिवन है यहाँ पर, तो अब देखो बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए एफ बाई एफ सी इक्वल्स टू ए बाई ई सी, ये आ गया भाई यहां पर बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ वी एडिंग वन ऑन बोथ साइड, मैंने यहां पर वन ऐड कर दिया बोथ साइड, कर सकते हैं ऐसा। एंड टेक एलसीएम ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी इक्वल्स टू ए प्लस ई सी बाई ई सी, इतना हो गया इसमें। ओके अब आप यहां पर देखें इसके ए एफ प्लस एफ सी, इस फिगर से ए एफ प्लस एफ सी किसकी इक्वल है, ए सी की इक्वल है। ए एफ प्लस एफ सी किसकी इक्वल है, ए सी की इक्वल है। और क्या है, ए प्लस ई सी ये भी यहां पर इसके इक्वल है। आप यहां पर देख पाएंगे, देखिए ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी है, एंड ए प्लस ई सी ये भी ए सी की इक्वल है, तो दोनों यहां पर ए सी की इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ए सी बाई एफ सी इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ सी इक्वल टू वन अपॉन ई सी, और ये इसको अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एफ सी इक्वल टू ई सी। क्या ऐसा हो सकता है, देखिए जरा एफ सी डिस्टेंस तो देखो ये वाला है, यहां से यहां तक तो एफ सी है और ई सी ये डिस्टेंस है एक ही लाइन, ऑन द सेम लाइन एफ सी इज मोर देन ई सी, है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सेम लाइन पर क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि भाई बट एफ सी इज ग्रेटर देन ई सी। सो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज रॉन्ग, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। ये क्या है यहां पर, विच इज कंट्राडिक्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं विच इज कंट्राडिक्शन। सो अब यहां पर हम क्या कहेंगे, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन एल इज नॉट पैरेलल टू इज रॉन्ग, सो वी हैव एल इज पैरेलल टू बी सी, तब हम यहां कह सकते हैं विच इज कंट्राडिक्शन। सो देयर फॉर एल पैरेलल टू बी सी, हो गया जी प्रूफ। मतलब हमने उससे लेकर के, हमने एम को पहले लिया था उससे एक रिजल्ट हमने निकाला, तो जो रिजल्ट है वो रॉन्ग रिजल्ट आ गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल लाइन जो है वो बी सी के पैरल है, तो सही रिजल्ट जब आएगा जब लाइन एल बी सी के पैरल होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो ये है आपका थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब देखो इस पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर और थेल्स थ्योरम पर दोनों पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आपको स्टूडेंट्स ने कहा कि सबसे पहले एक्सेप्शन कराने से पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी करा दूं, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर आप एनसीईआरटी जरूर करना है इसके क्वेश्चन जो है, तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2। ओके स्टूडेंट, मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर उसके बाद हम जब देखेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे हम। तो चलिए आज मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट 6.2 के क्वेश्चन यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, अब इनका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2। 6.1 मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, केवल फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब जो भी था। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, और उसमें 1 में भी पार्ट फर्स्ट है। कोई भी एक यहां पर हमें फिगर गिवन है, और ये है फिगर, यहां पर एबीसी ट्रायंगल है स्टूडेंट, एबीसी एक ट्रायंगल यहां पर गिवन है, और ये यहां पर ये लाइन है, इसके पैरेलल गिवन है यहां पर ये डीई, और ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर डी का जो डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है ये वाला, ये फाइंड करना है ये वाली जो। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। जब स्टूडेंट ये पैरेलल गिवन है, देन बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तब यहां पर आएगा स्टूडेंट क्या होता है, एडी बाय डीबी इक्वल्स टू एई बाय ईसी, ये रिजल्ट हमारे पास होता ही है इसके अकॉर्डिंग। अब इनकी वैल्यू रख दो, हमें ईसी को फाइंड करना है। देखिए 1.5/3 और ये है 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो EC इक्वल्स टू आएगा 3/1.5 और ये 30/15 इज द 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया इसका EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है, आप इसका सेकंड पार्ट भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी ऐसी फिगर बन रहा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और ये इसके पैरेलल है डी, यहां पर डी है और ये ई है, ओके, और ये जो वैल्यू है ये 7.2 गिवन है हमें, 7.2 सेंटीमीटर है, और ये 1.8 सेंटीमीटर है, और ये 5.4 सेंटीमीटर है, और आपको यहां पर जो वैल्यू फाइंड करना है वो एडी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एडी का वैल्यू फाइंड कर देखिए यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, देन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव स्टूडेंट एडी बाय डीबी, क्वेश्चन सॉल्व करने में एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है ये, और इक्वल टू ए बाय ईसी। एडी का वैल्यू हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, डीबी हमें 7.2 गिवन है, और एई जो है वो 1.8 है, और ये यहाँ पर है 5.4। एडी इक्वल टू 1.8 बाय 5.4 मल्टीप्लाई 7.2, और ये आ जाएगा एडी इक्वल टू, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और ये आ गया 7.2 स्टूडेंट, एडी इक्वल टू, और ये इसको आप यहां से 18 3 जा और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, सो एडी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबको एकदम बढ़िया से, इसमें कोई मन में डाउट नहीं हुआ किसी के भी, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब आपको मैं इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब वो मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है, सेकंड में कन्वर्स का यूज करना है, इसमें तो हमने थेल्स का यूज कर दिया, अब हम कन्वर्स ऑफ थेल्स का यूज करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थेल्स का यूज करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इसमें आपको गिवन है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो कोई भी हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है और उसमें आपको ये चेक करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है। तो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, ये गिवन हो गया, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर,
और इसमें ये ई एफ, ये ई है और यहाँ पर ये एफ है, और हमें इसको चेक करना है। तो और ये ऑलरेडी हमें गिवन है, और यहाँ पर जो गिवन है वो ये स्टूडेंट पीई की जो वैल्यू है, देखिए पीई इक्वल्स टू गिवन है हमें यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यूब इक्वल्स टू जो गिवन है वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और देखिए पी एफ कितना गिवन है हमें 3.6 सेंटीमीटर, और ये एफ आर जो गिवन है हमें 2.4 सेंटीमीटर। नाउ चेक करें आप, नाउ कैसे चेक करते हैं, देखिए पीई भाई थेल्स क्या होता है, रेशियो सेम होता है पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू चेक करेंगे तो पीई का जो वैल्यू है वो 3.9 और ई क्यू का जो वैल्यू है वो 3 है, सॉल्व करेंगे बेटा इसको 1.3 आएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको इस वाली साइड में देखूं, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ की जो वैल्यू है वो 3.6 है और एफ आर की जो वैल्यू है वो 2.4 है, इसको भी सिंपलीफाई करें तो ये 36/24 और ये आ जाएगा 3/2, 3/2 मीन्स हो गया 1.5। अब देखो यहाँ पर ये 1.3 है और ये 1.3 है, तो सिंस 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5, सो देयर फॉर PE by EQ is not equal to PF by FR। जब ये है ही नहीं इक्वल यहां पर, तो हेंस EF is not parallel to EF is not parallel to QR। ये इसके पैरेलल नहीं है, अगर इक्वल होता तो हम कहते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तब ये इसके इक्वल हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी चलिए मैं और देखता हूँ इसमें एक आध पार्ट का, ये तो फर्स्ट पार्ट था, आप इसको फर्स्ट पार्ट डाल सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए मैं अब आपको और बताता हूँ इसके आगे क्या है। एकदम सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा जरूर ये। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें आपको गिवन है स्टूडेंट्स पीई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड ई क्यू इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, एफ आर 9 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ये है पी क्यू आर ई एफ, तो चेक करते हैं रेशियो फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू फाइंड करना है। अब फर्स्ट वी फाइंड पीई अपॉन ई क्यू, तो पीई है यहाँ पर 4 और ये है 4.5, स्टूडेंट ये आ गया 40/45, इसको सिंप्लीफाई करें 5 से करें 8 और ये 9 जा 8/9 आ गया। एंड नाउ पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर 8/9, और बोथ साइड इक्वल यहाँ पर दोनों बोथ रेशियो आर इक्वल, सो हेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं पीई सिंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर देन बाई बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी हैव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। जब ये सेम रेशियो हो जाएगा जो मैंने आपको अभी भी थ्योरम प्रूव कराया है, तो उससे तब यहां पर इसको हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई ए पैरेलल टू क्यू आर। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको सबको। एक और पार्ट है इसका, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको उसको भी चेक करा देता हूं। यहां पर थर्ड पार्ट है, इसमें भी जो हमें गिवन है स्टूडेंट गिवन है पी क्यू इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर एंड पीई इज गिवन 0.18 सेंटीमीटर एंड दिस इज
लास्ट वन इज पी एफ 0.3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल पी क्यू आर ई एफ, इन ट्रायंगल आप यहां पर जरूर लिख देना इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहां पर भी हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ वी फाइंड द रेशियो। एक्चुअली मैंने आपको स्टूडेंट जब थेल्स थ्योरम कराया था तो थेल्स थ्योरम में भी कंडीशन थी यहां पर, अगर मैं यहां पर जैसे रेशियो है पीई, अगर मैं यहां पर ऐसा लूं पीई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर, ऐसा भी हम कर सकते हैं रेशियो, या इसको मैं पी क्यू अपॉन पीई इक्वल्स टू पी एफ अपॉन, तो कोई बात नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप कैसे फाइंड कर, देखिए यहां पर हमें मालूम है पीई, पीई तो मालूम है और इधर पी क्यू मालूम है लेकिन पीई नहीं मालूम है, तो आप यहां पर ऐसा करें वी नो दैट पीई प्लस ई क्यू, पीई प्लस ई क्यू कितना है पी क्यू होता है, और मुझे पी मालूम है तो मैं ई क्यू निकाल सकता हूं यहां से, ई क्यू इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पीई, ऐसा भी कर सकते हैं। और पी क्यू की जो वैल्यू है वो 1.28 है, माइनस पीई कितना है हमारे पास 0.18, और आप यहां से इसको माइनस कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 0 और ये 1 और ये 1 पॉइंट इतना आ गया, ये ई क्यू आ गया इतना। एंड सिमिलरली इसको भी यहां पर देखें पी एफ, पी एफ प्लस एफ आर इक्वल्स टू है पी आर के, और मुझे जो वैल्यू गिवन है वो पी एफ की वैल्यू गिवन है, तो मुझे एफ आर निकालना है यहां पर, और ये हो जाएगा पी आर माइनस एफ पी एफ पी एफ। चलिए पी आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहां पर है 2.56, माइनस पी एफ की जो वैल्यू है वो 0.36 है, माइनस करें स्टूडेंट यहां पर तो ये आ जाएगा 2.20 इतना यहां पर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आप इसका रेशियो फाइंड करें, आप देखिए पीई बाई ए क्यू, पीई बाई ए क्यू देखिए पी कितना है हमारे पास, पी की वैल्यू 0.18 और ए क्यू अभी अभी हमने फाइंड किया है 1.10, सो दिस इज, अब इसको हम यहां पर जो लिख सकते हैं वो कितना आएगा 2 डेसिमल, तो 18/110, और इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करते हैं 9/55 आ गया। एंड पी एफ बाई एफ आर, पी एफ कितना है यहां पर देखो, पी एफ कितना है भाई, पी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0.36 और एफ आर की जो वैल्यू है 2.20 है, और ये आ गया 36/2, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा दोनों ही वैल्यू यहां पर। हैंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी हैव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो ये इस तरह से कन्वर्स है, हमने कन्वर्स का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया, तो इसके तीनों पार्ट जो हैं समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन और हैं प्रूव करने वाले, अब मैं आपको करा रहा हूं, और ये हैं क्वेश्चन, तो चलिए यहां पर अभी कुछ क्वेश्चन और कराते हैं अभी हम आपको। ये सब समझ में आ गए होंगे आपको। अब देखो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं, ये तो वैल्यूज वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, अप्रूव करने वाले कुछ क्वेश्चन और हैं उन्हें देखते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं वो भी जरूर समझ में आएंगे आपको। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, कोई भी एक फिगर हमें गिवन है, ये फिगर है और यहां पर ये है ए बी सी और ये डी है, एक लाइन यहां पर है, ये एल, ये एल है और यहां एम है,
और ये एन है, ये इसके पैरेलल है, ये एल एम पैरेलल टू है बी सी के, इसमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, इसमें जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो गिवन होता है वो हम जरूर लिखें, फिगर बनाएं और इसका फिगर बनाएं और इसका गिवन लिखें और टू प्रूव लिखें। इससे क्या होता है, अगर हमें मान लो इसका डेरिवेशन नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, हमें अगर हमने इतना काम कर दिया ना, तो आप ये समझ लो कि इतना होने पर आप इसको नंबर वहां पर, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आपको वहां पर 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स जरूर एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो इसलिए हमें इसका गिवन टू प्रूव और इसका फिगर जरूर बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पर गिवन में है क्वेश्चन में, ये है यहाँ पर एल एम, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, और टू प्रूव में है, टू प्रूव में करना है स्टूडेंट हमें ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये है स्टूडेंट यहां पर। तो अब चलिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं मैं आपको बताता हूं। अब आता है इसके बाद प्रूफ, स्टूडेंट आप देख पाएंगे यहां पर ये जो एल एम है ना, ये बी सी के पैरेलल है, तो किस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में। जब ये एल एम बी सी के पैरेलल है तो मैं यहां पर थेल्स थ्योरम का यूज करके एक रेशियो निकालूंगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल ए डी सी में एल एन पैरेलल टू सी डी है, तो मैं यहां पर भी इसका यूज करके एक रेट निकालूंगा, फिर देखते हैं आगे क्या आता है। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू सी डी, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये सी बी के पैरेलल है, देन बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तब देखिए हमें क्या आता है हमारे पास, तब आएगा यहां पर देखिए, जब इसके पैरेलल है एलएम इसके, तो एएम अपॉन एमबी इक्वल टू एएल अपॉन एलसी, तो यह आएगा एएम अपॉन एमबी इक्वल्स टू एएल अपॉन एलसी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, और इसमें जो हमें गिवन है वो है एल एन पैरेलल टू सी डी, देन बाय यूजिंग बीपीटी वी हैव, तो चलिए इसका यूज करते हैं, यहां पर आएगा ए एन by ND equals to AL by LC, this is the second one। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इन दोनों ट्रायंगल में मैंने थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पर, और थेल्स थ्योरम का यूज करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं ये आ गए हमारे पास। आप देखें बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू AL by LC, दोनों ही देखो AL by LC इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन बाई एन डी, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया फर्स्ट और सेकेंड से। बट हमें लाना क्या है, प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अच्छा यहां पर ए एम तो आ रहा है लेकिन यहां एम बी नहीं आ रहा है, MB नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ AN आ रहा है यहाँ पर ND आ रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर यहीं पर ही अगर मैं 1 ऐड कर दूँ इसमें बोथ साइड में और फिर मैं LCM लूँ, तो ऊपर से AMB गायब हो जाएगा, ऊपर AB तो आ जाएगा और यहाँ पर भी AD आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो हमें लाना है वो नहीं आएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, नाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल देखिए, सो वी हैव ये आ जाएगा स्टूडेंट MB अपॉन AM equals to ND by AN, take reciprocal, okay,
तो हमने यहां पर इसका रेसिप्रोकल किया, और अब हम यहां पे क्या करें, वन ऐड कर दें। देखिए वन, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वन एन डी बाई ए एन, एंड टेक एलसीएम, ए एम प्लस एम बी बाई ए एम इक्वल्स टू ए एन प्लस एन डी बाई ए एन। अब आप फिगर में देखें, ए एम प्लस एम बी किसकी इक्वल है, ए एम प्लस एम बी ए बी की इक्वल है, ए एन प्लस एन डी ए डी की इक्वल है। तो ये हो जाएगा यहां पर कितना, ये आ गया देखिए यहां पर ए बी अपॉन ए एम, ए डी अपॉन ए एन। बट हमें इसको यहां पर शो कर देना चाहिए कहीं पर भी, चाहे तो आप गिवन में जो हमने लिखा है यहां पर जरूर लिख दें, ए एम प्लस एम बी इक्वल्स टू ए बी एंड ए एन प्लस एन डी इक्वल्स टू ए डी। तो ये हमें गिवन में भी कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम यहां पर गिवन में शो कर सकते हैं। अब ए बी बाई ए एम इक्वल्स टू ए एन, ए डी बाई ए एन आ गया, और यहां पर हमारे पास आ रहा है ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी, तो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। इसका एक बार रेसिप्रोकल कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, हैंस प्रूव्ड। तो रेसिप्रोकल करने पर इतना आ गया, आप लिख सकते हैं टेक रेसिप्रोकल अगेन। तो चलिए ये आ गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। क्लियर हो गया होगा सबको, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा सबको एकदम जो है। तो आप जो है जितने भी मैंने आपको बताए अभी मैंने आज आपको बता दिए हैं, और आगे भी आप इनको क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।